हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। चलिए हम रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म स्टार्ट किए हुए थे, तो उसका एक हम क्वेश्चन देख चुके थे व्हाट इज रिप्रोडक्शन। और अगला क्वेश्चन देखते हैं शॉर्ट क्वेश्चन में, सेक्सुअल असेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंस देखेंगे। ठीक है, अगर इससे पहले वाला वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाकर चैनल पर देख सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं आंसर। पहले तो क्या करना है, अपने लोगों को एक बॉक्स बना लेना है इस तरह से। जब कभी भी किसी चीज़ के बारे में डिफरेंस बोले या किसी दो चीज़ के बारे में अंतर आपसे पूछे, तो आप पहले क्या करना है, दो बॉक्स बना लेना है। ठीक है, इधर हमको लिखना है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और ये हो गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, चलिए इसका लिखते हैं, आगे देखते हैं। इसका पहला पॉइंट, दे आर ओनली वन पेरेंट इन्वॉल्व, देयर। चलिए इसका एक पॉइंट हो गया, देयर आर ओनली वन पेरेंट, मतलब एक ही पेरेंट रहेगा। तो एक पेरेंट को क्या बोलेंगे, यूनी पेरेंट। यूनी मतलब एक होता है, और पेरेंट मतलब पेरेंट्स, समझिए गए। ठीक है, चलिए इसका भी एक पॉइंट देख लेते हैं। चलिए, हेयर टू पेरेंट्स इन्वॉल्व, यानी बाई पेरेंटिंग, मतलब दो, बाई मतलब दो होता है, और पेरेंटल मतलब पेरेंट्स, मतलब यहाँ पे जो है दो पेरेंट्स, जैसे मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं ना, तो यहाँ पे ये इन्वॉल्व होगा। इसमें जो है आपको सेक्सुअल इसमें रिप्रोडक्शन में हम बता दिए थे, जो इसमें सिर्फ सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होगा, मेल और फीमेल एक ही में रहेगा, पता नहीं चलेगा आपको कौन मेल है कौन फीमेल है। लेकिन इसमें क्या होगा, जो अलग अलग रहेगा मेल और फीमेल। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट, प्रोडक्ट ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर एग्जैक्टली सिमिलर टू इट्स पेरेंट्स, मतलब इसका प्रोडक्ट रहेगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, जो जैसे मतलब उसका जो बच्चा होगा वो कैसा होगा, सेम जो है इसी की तरह, मतलब उसी के पेरेंट्स, जैसे उसके है ना पेरेंट्स, सिमिलर एग्जैक्टली उसी की तरह होगा। इसे एक तरह से समझिए आप, क्लोन हो गया वो। ठीक है, इसका अगला, इसका भी एक अगला पॉइंट देख लेते हैं। चलिए, प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर कम्प्लीटली डिफरेंट टू देयर पेरेंट्स, मतलब इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो प्रोडक्ट होगा, उसका बाल मतलब बच्चा जो होगा वो कैसा होगा, टोटली डिफरेंट होगा अपने, जैसे आप हम क्या है अपने माता पिता की तरह, तो हमारा फेस तो मैच नहीं करता रहता, हाँ हाथ पैर रहता है वो तो इसका मतलब आप जान इसका रिप्रोडक्शन का कैरेक्टर है वो। इसमें क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, आपका फेस नहीं मतलब फेस मैच नहीं करेगा सब, किसी का पिता लंबा होता है, किसी का नाटा हो जाता है, किसी का कुछ मतलब ऐसे ही डिफरेंट रहता है। ठीक है, लेकिन इसका कैसे सेक्सुअल में क्या होता है, टोटली आपके सिमिलर उसी की तरह होगा। ठीक है, इसका एग्जांपल एक दो देख लेते हैं। तो एक इसका एग्जांपल लेते हैं, एक अमीबा, जैसे अमीबा हो गया, तो अमीबा में क्या होता है सिंगल पेरेंट, जैसे अमीबा का तो बैरियर फ्यूजन होता है, आपको पता ही होगा उसमें क्या होता है, वो आधा आधा टूट जाता है। और बैक्टीरिया में भी सेम प्रोसेस होता है, इसमें भी फीमेल और मेल नहीं होता है अलग अलग। लेकिन ह्यूमन में इसको देखिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में से ह्यूमन हो गया, तो ह्यूमन में मेल और फीमेल अलग होता है। फ्लावर्स में बायसेक्सुअल फ्लावर जो होता है, उसमें क्या होता है स्टिग्मा और एंथर होता है, अलग अलग होता है। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी चैनल को कर दीजिएगा, क्योंकि रिप्रोडक्शन के बाद फिर आगे इसका जो है फ्लावरिंग प्लांट्स और आगे जो सब मैं पूरा करूँगा। ठीक है, थैंक यू।